मोटी बीवी से शादी करने के 10 लाजवाब फ़ायदे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज एक न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बहुत आम है कि मर्दों को मोटी और भारी औरत के मुकाबले में पतली और सेक्स खवातीन पसंद हैं, लेकिन एक तहकीक के मुताबिक मोटी औरत के साथ तल्लुक रखने वाले मर्द ज़्यादा खुशगवार ज़िंदगी गुजारते हैं। जो मर्द बड़े साइज की औरत के साथ तल्लुकात में रहते हैं, वो अपने मसाइल को आसानी से हल करते हैं। मोटे होने की ज़मनी असरात में से एक ये सोचने के काबिल होना है कि अपने साथी की ख्वाहिशात और ज़रूरियात को क्या और कैसे पूरा करना है। दर असना बच्चों की अफजैश और वज़न उठाने का बहुत ज़्यादा साइज वाली ख्वातीन के लिए अब कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो पहले ही भारी वजूद हैं, जिनकी वजह से मर्द एक मोटी औरत के साथ तल्लुकात में 25 गुना ज़्यादा खुश होते हैं। बामुकाबला मर्द एक पतले साथी के साथ वो 10 वजूहत कौन सी हैं? नंबर 1, मोटी औरत से शादी करते वक्त अपने आप को फिट होने की ज़रूरत का कोई दबाव नहीं है। नंबर 2, मोटे साथी बग़ैर किसी पाबंदी के अच्छे गले मिलते हैं और जितनी बार मर्जी कुर्बत करो कोई मसला नहीं होता। नंबर 3, प्लस साइज़ की ख्वातीन हम बिस्तरी के लिए हर वक्त तैयार होती हैं। प्लस साइज़ की ख्वातीन अपने बच्चों और खावंद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। नंबर 5, इन्हें इनकी पसंदीदा चीज़ों और मिठाइयों से खुश कर सकते हैं। नंबर 6, प्लस साइज़ की ख्वातीन अच्छी हंसती हैं। एक साथ हंसने वाले खुशगवार जोड़े के दरमियान तवील और सेहतमंद तलुकात का अमकान होता है। नंबर 7, प्लस साइज़ की ख्वातीन लफ्जी और अलामती तौर पर पतली ख्वातीन से ज़्यादा मीठी होती हैं। नंबर 8, अगरचा वज़न कम करने पर गौर किया जा सकता है, लेकिन खाना ज़िंदगी है और इसका मतलब सिर्फ ये होगा कि एक साथ खाने से ज़्यादा मज़ा आता है। नंबर 9, मोटी ख्वातीन को ना खुशगवार और गैर सेहत बख्श करार दिया जाता है, लेकिन एक ऐसे मर्द के लिए जो औरत से मोहब्बत करता है, साइज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर 10, प्लस साइज़ की ख्वातीन पतली ख्वातीन से ज़्यादा मज़ा देती हैं और दौरान गुर्बत थकावट महसूस नहीं करती। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। प्लीज़ जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।